सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सब अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आशा है कि आप सभी की ऑनलाइन परीक्षाएं भी बहुत ही अच्छी हुई होगी। तो आइए बच्चों, अब हम अपने वार्षिक पाठ्यक्रम का आरंभ करते हैं। हिंदी साहित्य पाठ 10 ठेस, ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने गांव के एक ऐसे अकेले बेहतरीन संवेदनशील पर मुंह जोर कारीगर के जीवन का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है, जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने पर काम छोड़कर चला जाता है। बच्चों, लेखक ने गांव में अपना अस्तित्व खेती, हस्तकलाओं और कारीगरों की स्थिति पर प्रकाश डाला है। कहानी के द्वारा लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि शब्दों के बाण वास्तविक बाणों से अधिक तीखे होते हैं, जो एक सरल और निष्कपट हृदय को भीतर तक भेद देते हैं। सभी को अपना आत्मसम्मान प्यारा होता है, और जब आत्मसम्मान को ठेस लगती है तो व्यक्ति टूट जाता है। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ का आरंभ करते हैं। पाठ 10 ठेस। खेती बारी के समय गांव के किसान सिरजन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है। सिरचन को क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर एक तिहाई कम काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ। धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवाकर भेज दो। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ सीखा? इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने एक ऐसे कारीगर का वर्णन किया है जो कि अपनी जिसकी कारीगरी पूरे ही हर जगह बहुत प्रसिद्ध थी। सिरचन चिक बनाने का काम करता था। उसकी चिक इतनी मशहूर थी कि शहर से भी लोग उसके पास चिक बनवाने के लिए आते थे। परंतु उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण उसने ये काम करना बंद कर दिया, और आज लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बेगार और कामचोर समझते हैं। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। सिरचन को देखते ही माँ हुसल कर कहती, आओ सिरचन, आज नेथू मत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी की खखोरन दाढ़ी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, और बड़ी बेटी के ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभालता हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है।
सिरचंद जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुची बनाता, फिर कुचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहुअन सांप की तरफ फुंकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचंद मुंहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचंद को लोग चटकोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले से कर लो, तब सिरचंद को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधपाली दर्द से माथा टंटना रहा है, थोड़ा सा रह गया, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोटे भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंछ की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हल वालों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचंद के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। ये दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आधा पुराना कपड़ा देकर विदा करो, वो कुछ भी नहीं बोलेगा। बच्चों, आगे के वर्णन में लेखक ने बताया कि सिरचंद जो है बहुत ही अच्छा कारीगर था। वो विभिन्न प्रकार की चिकों को बनाता था। बच्चों, चिक जो होती है वो बांस की तीलियों से बनी हुई एक चटाई सी होती है, जिनको पर्दे के रूप में लोग प्रयोग करते हैं, और ये एक प्रकार की हस्तकला होती है जिसकी बहुत ज्यादा इस देश में भी डिमांड है और बाहर भी इस कला को पूछा जाता है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचंद को बुलाने वाले जानते हैं सिरचंद बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचंद की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात। बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे, कोई बात नहीं। तीन जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की दो शीतल पट्टियों के बिना आएगी मानू तो, भाभी ने हंसकर कहा। बैरंग वापस, इसलिए एक सप्ताह पहले से ही सिरचंद को बुलवाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख सिरचंद, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचंद अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वो चिक बुनने बैठा। डेढ़ हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। मझली भाभी ने नहीं से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर दे देती। काम में व्यस्त सिरचंद के कानों में बात पड़ गई, बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है।
बच्चों, पाठ के इस अध्याय में लेखक ने बताया कि उनकी छोटी बहन का विवाह होने वाला था और उनकी बहन के जो होने वाले दूल्हे थे उनकी ये फरमाइश थी कि वो फैशनेबल चिक और पटेल की शीतल पट्टियों को वो चाहते थे कि उनको शादी के समय ये सारी चीजें दी जाए, जिसके कारण लेखक की माँ ने सृजन को बुलाया था ताकि वो नए किस्म की चिक का निर्माण कर सके। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। मंझली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखते हैं ना। दूसरे दिन चिक की पहली पंक्ति में सात तारे जगमगा उठे। सात रंग के सतभया तारा। सिरचन जब काम में मगन रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकाल आती है होठ पर। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुधी नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास दो रेखाएं उभर आईं। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं? अरे मंझली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन ने मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा हुआ अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंझली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंझली बहुरानी, आपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ में खोलकर बांटती हैं क्या? बस मंझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो। बच्चों, पाठ के इस भाग में जब सिरचन को अच्छी प्रकार से भोजन नहीं मिला तो वो गुस्से में आ गया और जो लेखक की जो मछली लेखक की जो माँ थी उन्होंने अपनी मंझली बहू से कहा कि उसको बूंदी क्यों नहीं दी खाने के लिए। तो मंझली बहू ने चिढ़ कर उसको बूंदी जो थी वो फेंक कर दे दी, जिसके कारण सिरचन को बहुत खराब लगा। तो उसने मंझली बहू को बोला कि अगर आपके ससुराल से भी मिठाई आती तो मायके से भी मिठाई आती तो उसको भी ऐसे ही फेंकती, जिसके कारण मंझली बहू जो है रोने लगी। अब आइए बच्चों, आगे का अध्ययन करते हैं। मझली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो? अपना काम करो, बहुओं से बदकुटकी करने की क्या जरूरत? किस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली, इधर उधर देखकर, सिरचन दादा काम काज का घर, पांच तरह के लोग पांच किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से, गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्करी करता है? तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ के आग लगे, घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, चटकोर कहीं के? मेरा कलेजा धड़क उठा, यतोत्परी नास्ती। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी हसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता? 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मोझोए को ना मुंह में लगाम है ना आंख में शील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेंगी।
बातर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली में मारी फिरती हैं। मानू कुछ कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पट्टी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने ना जाने कितनी बार खोल कर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वो उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैंने सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल फटी पर लेटकर वो कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुदर मरी बेटी बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मेरी ऐसी दुर्दशा भोगता, ये शीतल पट्टी उसी की बनी हुई है। बच्चों, इस भाग में लेखक ने बताया कि सिरचन को जो चाची हैं वो कुछ कुछ काफ़ी कुछ बोल देती हैं जिसका उसको बुरा लग जाता है और वो अधूरा काम छोड़कर ही वहाँ से चला जाता है। सिरचन को मनाने के लिए लेखक उसके पास जाते हैं परंतु सिरचन को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ पे आने से मना कर देता है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। इस शीतल पट्टी को छू कर कहता हूँ अब ये काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वो नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट की झालर लगाने लगी। ये भी बेजान नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सकता। चाची और मंजली भाभी की नज़र ना लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मर सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा, क्या है। मैंने खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिंचर ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से है, सब चीजें हैं दीदी, शीतल पट्टी चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मनु मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीप को दांत में काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा, ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने बताया है कि सिरचन एक बहुत ही अच्छा कारीगर था। वो बांस की सुतलियों से और बांस की तीलियों से कई प्रकार के पर्दे बनाता था और उसकी कारीगरी पूरे ही गांव में फेमस थी, जिसके कारण उसको लोग दूर दूर से बुलाने भी आते थे। यहाँ पर मानू को लेखक के घर वालों ने कुछ बुरी बातें कही जिसके कारण उसको अपना आत्मसम्मान पे ठेस लगी, जिसकी वजह से उसने अधूरा काम छोड़ दिया। परंतु उसने अंत में आकर मानू के लिए एक सुंदर चिक बनाकर उसे दी। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।